बिताते रहे सब, एंड सबको बहुत बहुत बधाई है। अच्छा आइए, एक और गुड न्यूज है लकीली, आज हम लोगों का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार में नंबर वन है। और प्लीज फातिमा, हमारे सारे सीनियर एक्टर्स, सारे न्यू कमर, सब एवरीबॉडी प्लीज कम, जिसको रिश्ता से प्यार है वो केक कट करने आएगा। हमारी भाभी माँ केक कटेगा, सब में बैठेगा, जल्दी जल्दी। हमारी भाभी माँ जो कि सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे जल्दी, चलो चलो शांतराम जी, रोमेश सर गरिमा इधर आ जाओ फटाफट, एक ग्रुप फोटो जल्दी से, प्लीज 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 कम एवरीबॉडी ग्रुप फोटो, आइए तुम लोग आइए सीधी पे आ जाइए। तो करो जो नहीं है तुम लोग करो, सब आ गए। अरे कार्तिक सर सब आ गए हां, चलो चलो रे कार्तिक सर, सब पीछे हो गए। अभी वो मुझे जब मिलती है मुझे अपने पास बुलाती है और बताती है कि उनके फैमिली में एक ये रिवाज है कि जो होने वाली बहू होती है घर की उसको अपनी सबसे कोई कीमती चीज़ भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत प्यारी चीज़ दी जाती है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो मुझे क्या दे, तो फिर उन्हें याद आता है कि मेरी माँ की चूड़िया जो है वो उनके पास है जो मम्मा ने मेरे लिए दी थी और गलती से उनके पास कई साल कई महीनों पहले पहुँच गई। फिर मुझे वहाँ पे वो सब चीज़ें बताती हैं और वो मम्मा की चूड़ियाँ देती हैं, ऑब्वियसली माँ की याद आ जाती है, नायरा इमोशनल हो जाती है, वो खुद भी इमोशनल हो जाती है। कैमरा रुक गया, उनका बेटा है, उनका जो बेटा है वो उनसे बहुत खपा खपा रहता है हमेशा, और वो हमेशा से कार्तिक को प्यार करना चाहती थी, माँ कार्तिक ही बनना चाहती थी लेकिन वो बन नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं मुझ पर अपना बच्चा दिखता है। कार्तिक किसी के एंग्री यंग मैन वाला लुक देखने वाला, काफी भड़क गए थे नायरा के ऊपर, बहुत टाइम बाद गुस्सा हुआ मैं है ना, मुझे बहुत मिस कर रहा था। हाँ बहुत दिस थिंग हैपेंस क्योंकि इससे पहले एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट गया जहाँ पे नायरा और कार्तिक डिसाइड करते हैं कि वो सोशल मीडिया का व्रत रखेंगे, मतलब जैसे एंगेजमेंट हो चुका है वैसे वो लोग ना मिलेंगे, ना फ़ोन पे बात करेंगे, ना मैसेज करेंगे, और यहाँ पर किसी तरह एक दूसरे को ढूंढ के देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो उन्हें देखने जा रहे हैं वहाँ पर वो देख लेते हैं कि नायरा स्वर्णा जी की वो जो मूर्ति लाते हैं वो गलत मूर्ति लाते हैं जो जिसकी सुन दूसरी तरफ होती है, तो दे ब्रिंग अ डिफरेंट रॉन्ग मूर्ति, तो वो देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि आप पूजा कैसे होगी, दादी कहती है नक्शे के आप नहीं जा सकते क्योंकि आप पूजा में शामिल हो चुके हैं, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बची थी वो थी दादी, और जैसे ही नरेश भैया दादी को बात बताते हैं दादी नहीं चाहती क्योंकि उनकी पोती की लाइफ की नई लाइफ की शुरुआत होने जा रही है और उसमें मतलब शुरू में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसलिए विघ्न आ जाए तो इसलिए उन्हें आना ही पड़ा। और नाइट टॉकिंग अबाउट द केक कटिंग एंड 8 ईयर्स, आप लोग तो मतलब नए लोग हैं ये रिश्ता परिवार के, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को भी 9 मंथ्स 8.5 9 मंथ्स हो चुके हैं शो में, और
काफ़ी अच्छी फीलिंग है. 8 साल हो गए हैं शो को, सब लोग साथ में थे, पूरी टीम साथ में थी, हम सब साथ में केक काट रहे थे और केक भी बहुत अच्छा था. केक भी बहुत अच्छा था, हमने बहुत तो यस वी कम्प्लीटेड 8 years एंड इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी. फर्स्ट एपिसोड से लेकर अभी तक we've completed 2200 something episodes और हम हमारा हो गया काफ़ी 200 something we've finished माशाल्लाह. सो कायरा का अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अपनी engagement की engagement हो चुका है, शादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे मुकाम पे 8 साल complete हुआ है और यहाँ से इंशाल्लाह वी होप के और आगे बढ़े. बिल्कुल, अभी 8 साल हुए, हमने 8 साल का केक काटा, हम चाहेंगे हम और 10 साल 12 साल का केक भी काटे. हमें बस केक खाना है. Thank you.